देखिए, ये ऐसा काल्पनिक घोटाला है जिसके अंदर पिछले 15 महीने से छानबीन चल रही है। हर दूसरे तीसरे दिन मीडिया को खबर दी जाती है कि साहब यहां छापा मार दिया, यहां छापा मार दिया। मुझे लगता है कम से कम 1000 जगहों पे छापा ईडी और सीबीआई मार चुकी है, एक रुपया कहीं पे इन्हें नहीं मिला। ऐसा घोटाला है जिसमें एक रुपए की कहीं पे रिकवरी नहीं हुई है। अब कहा जा रहा है कि संजय सिंह भी जो है इसके अंदर शामिल हैं, और संजय सिंह जी के घर से भी कुछ नहीं मिलेगा, मैं आपको अभी बता रहा हूं। सूत्र जरूर कहेंगे ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये मिल गया वो मिल गया, बहुत सबूत मिल गए, मगर अदालत के सामने जब जाएगा तो कहेंगे कि कुछ नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, ये एक सच्चाई है, और एक डेस्परेशन है, एक आखिरी कोशिश है प्रधानमंत्री जी की कि किसी तरीके से वो दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएं, मगर आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल पूछती रहेगी। चार्जशीट में भी नाम बताया जा रहा है कि सांसद जी का नाम है, तो घर की चार्जशीट है, पहले भी नाम डाला था, फिर बोला कि गलती से डाल दिया, किसी और का नाम डालना था इनका नाम डाल दिया। इसके ऊपर बाकायदा संजय सिंह जी ने मानहानि का नोटिस भी दिया था, तो इनकी मर्जी है, किसी का भी नाम डालना चाहे डाल दो। दिनेश अरोड़ा का एक नाम सामने आ रहा है, सरकारी गवाह बताया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? कभी किसी को बोलते हैं कि ये आरोपी हैं, कभी कहते हैं ये सरकारी गवाह हैं। आप तो किसी भी आरोपी को कह दें कि भाई तुम्हारी सजा माफ कर देंगे, तुम गवाही दे दो, तो वो गवाह बन जाएगा, उसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं। जेल के अंदर टॉर्चर किया जा रहा है लोगों को, लोगों के साथ मारपिटाई की जा रही है, झूठे बयान देने के लिए डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, ये सब चीजें तो कोर्ट के सामने आ चुकी हैं। तो ऐसे में तो आप किसी भी एक्यूज को जो है गवाह बना लीजिए, तो बड़ा आसान काम है।